मेरे सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं रमेश राठी, समाज सेवी, आप सभी को दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली का पर्व हम सभी के लिए नई उमंग, नया उत्साह, नया सवेरा लेकर आए, यही प्रभु श्री से प्रार्थना करता हूं। बुराई पर अच्छाई के लिए मनाए जाने वाला दिवाली का पर्व पर मैं एक निवेदन करता हूं, मेरे देशभक्त साथियों, इस त्यौहार पर बम पटाखे, फुलझड़ियाँ ना जलाएं। दिवाली पर्व पर अपने दिए और मोमबत्ती जलाएं और सुख शांति और समृद्धि से अपनी दिवाली मनाएं। भादरगढ़ प्रधान, भादरगढ़ वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एक अपील करता हूं कि अब की बार प्रदर्शन सहित। मैं प्रवीण शर्मा, डायरेक्टर शक्ति विद्या मंदिर हाई स्कूल भादरगढ़, अपने समस्त स्टाफ और स्कूल की मैनेजमेंट की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही एक प्रार्थना भी करता हूं कि आप लोग पॉल्यूशन कम से कम फैलाएं, पटाखे कम से कम चलाएं, क्योंकि पॉल्यूशन की मात्रा हवाइयों में बहुत बढ़ रही है और ये प्रदूषण आज गरीब को, बूढ़ों को और खासकर अस्थमा पेशेंट को बहुत दुखदायी होता है। इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि दीपावली को बहुत अच्छे से मनाएं, लेकिन वातावरण में प्रदूषण ना फैलाएं। पुनः मेरी ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। मैं दीपक सैनी, फ्रेंड्स प्रॉपर्टी सेक्टर में भागलपुर की तरफ से आप सभी प्रदेश वासियों और हल्का वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। आपका त्यौहार मंगलमय बने और एक अपील करता हूँ आप लोगों से कि दिवाली पर कम से कम पटाखे फोड़े और पटाखे वो फोड़े जो प्रदूषण ना करें, और इस दिन इस त्यौहार पे एक दीवा शहीदों के नाम पर जलाएगा। जी, मैं विजय लक्ष्मी, इमली मोहला निवासी, भादुगढ़ से सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। क्यों ना हम सब मिलकर ये दीपावली प्रदूषण रहित मनाएं और बम पटाखे न जलाएं, इससे वातावरण बहुत प्रदूषित होता है और लोगों को सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है, इसलिए बम पटाखे बिल्कुल नहीं जलाएं। और एक दिया अपने देश भक्त जो शहीद हुए हैं उनके नाम जरूर जलाएं, यही मैं सबसे आशा करता हूं।